नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। राजधानी दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली रोहिणी कोर्ट शुक्रवार को उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी जब सुनवाई के दौरान दो बदमाशों ने कोर्ट रूम में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन वकील व लोगों को लगा कि मानो कोई आतंकी हमला हो गया है। कोर्ट रूम में मौजूद वकील बाहर भागने की कोशिश करने लगे तो वकील कोर्ट रूम क्लर्क रूम में भी घुस गए। माहौल इतना भयावह था कि अहल मद रूम में वकील एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इतना ही नहीं, गोलियां चलते देख अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी मेज के पीछे छिप गए। कोर्ट रूम में गोलियां चलनी शुरू हुई तो कोर्ट परिसर में मौजूद बच्चों को लेकर महिलाएं भी जान बचाते हुए भागने लगीं। इस दौरान सामने की कोर्ट रूम 206 में भी जज, वकील व मौजूद लोग थे, वो भी गोलियों की आवाज़ सुनकर सीढ़ियों की ओर भागने लगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही थी, जज और वकील सहित अन्य लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, तभी अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है और कोर्ट रूम में भगदड़ मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जज टेबल के पीछे छिपे तो स्टेनो रीडर, वकील, इंटर्न सहित करीब 20 लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। हमलावरों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी जिससे पूरा कोर्ट रूम धुआं धुआं हो गया। एक गोलीबारी शांत हुई और हमलावरों के मारे जाने का शोर मचा तो आनन फानन में लोग जान बचाकर कोर्ट रूम से बाहर जाने लगे। इस वारदात के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ वकीलों के फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। पुलिस को शक है कि किसी ने हमलावरों को गोगी को पेश किए जाने के समय की जानकारी दी थी। घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी जुटाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।